हेलो एवरीवन, मैं हूँ राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राना फूड हाउस। आज हम केक की रेसिपी लेके आए हैं। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से कढ़ाई में बना के दिखाएंगे, तो आइए देख लें इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है, एक कटोरी गेहूं का आटा है, एक कप दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, यहाँ पे बेकिंग सोडा है ये हाफ टेबल स्पून, टू एक का मैंने योग अलग कर लिया, ये योग है, दो कटोरी ये पिसी हुई चीनी, यहाँ पे एक कप रिफाइन है, एग वाइट है और ये टू टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर लिया है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मैदे को हम एक बार छान लेंगे। एक बॉल लिया है इसके लिए हमने और एक छन्नी रख के, यहाँ पे एक कटोरी जो गेहूं का आटा था और ये जो मैदा था एक कटोरी, और यहीं पे हम बेकिंग पाउडर ले लेंगे, बेकिंग सोडा। सारी चीजों के साथ हम इसको एक बार छान लेंगे। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप जरूर करें, इससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। अब हम ये मिक्स किया हुआ जो आटा मैदा और सोडे का है वो अलग हम रख देंगे। इसी बाउल में हम बैटर बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रिफाइंड ले लेंगे, और ये पीसी हुई चीनी लेंगे, अब इसे हम राउंड राउंड चलाते रहेंगे, राउंड एंड कट, और बीच बीच में हम आटा भी मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा साथ ही हम मिल्क भी ऐड करते जाएंगे। अब और ले लेंगे, और आटा ले लेंगे, आटा और मैदा। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे दूध भी ऐड करते जाएंगे। जो बैटर है केक का वो बहुत अच्छा बनेगा, राउंड एंड कट। बैटर अभी थोड़ा थिक है, जो दूध बचा हुआ वो भी हम डाल देंगे सारा, और इसे राउंड एंड कट करते जाएंगे। यहीं पे हम योग डाल देंगे, एग वाइट है इसे हम बीट कर लेंगे थोड़ा सा, एग वाइट को बीट करके हम इसमें मिक्स कर देंगे लास्ट में, और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही धीरे धीरे हाथ यहां पे चलाना है। वाइट को हम डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ही धीरे धीरे हाथ चलाएंगे। अब इसे हम एक घंटे के लिए काउंटर पे इसी तरह हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम बेक करना बताएंगे। केक टिन ले लेंगे, इसको ग्रीस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा के इसको हम ग्रीस कर लेंगे। और साथ में एक
मैदा ले लेंगे, इसको अच्छे से इसकी फिर कोटिंग कर देंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा बच गया है उसे हम निकाल लेंगे। केक टिंग तैयार है। बेक करने से पहले जो हमने पाइनएप्पल एसेंस रखा था वो हम डाल देंगे लास्ट में बिल्कुल। उसके बाद इसको हम मिला लेंगे। अब केक के बैटर को हम इसमें केप्टिन में डाल देंगे। पूरा फिल हमें यहां तक नहीं करना है, हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे कि बेक होने के बाद से केक ऊपर उठेगा। अब इसे एक से दो बार इसको हम टैप कर लेंगे कि अच्छे से ये सेट कर जाए। हेवी बॉटम वाली हम कढ़ाई ले लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। इसे एक से दो मिनट हम प्रीहीट कर लेंगे और नीचे हम एक कटोरी रख देंगे। अब इसे हम कवर कर देते हैं एक से दो मिनट के लिए। एक से दो मिनट हो गया है, अब हम यहां पे केक टिन रख देंगे और इसे ढक देंगे। 30 to 35 मिनट्स तक हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम बेक करेंगे। केक देखिए बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। एक बार हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे इससे क्लीन है बिल्कुल। इसका मतलब केक अच्छे से बेक हुआ है। अब हम यहाँ पे गैस ऑफ कर दे रहे हैं। टूथपिक अगर क्लीन है इसका मतलब कि केक बिल्कुल बहुत अच्छे से बेक हुआ है। अगर टूथपिक में थोड़ा भी बैटर आएगा तो आपको इसे फिर 5 से 10 मिनट फिर आप इसे ऐसे करके चेक करेंगे और देखेंगे कि जब तक ये क्लीन नहीं आएगा तब तक आपको बेक करना है। और ये देखिए क्लीन है बिल्कुल, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ कर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा केक बना है। अभी बहुत ही गर्म हो रहा है, जब इसे ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे निकाल के दिखाएंगे। केक ठंडा हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे, निकाल लेंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है। हम इसको कट करके दिखाते हैं। केक की थोड़ी टॉपिंग कर देंगे। मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी सिरप है, मैं इसे थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूंगी। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, इससे मैंने इसकी टॉपिंग कर दी। और ये मेरे पास नारियल का बुरादा है, इससे मैं हल्का हल्का ऊपर डस्टिंग कर इसके ऊपर से हम इसको डाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये केक। देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना इजीली ये कट हो रहा है। केक देखिए कितने स्पॉन्जी बना है।
अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे। थैंक यू।